but we had discussed in muscular tissue, we had discussed the two types. Muscular tissues are of three types: striated muscle, muscular tissue, unstriated and cardiac. ये तीन करे थे हमने, मतलब नाम करे थे, और दो के हम लोग characteristics we discussed, the striated muscles as well as the unstriated. Last one we are having the cardiac muscular tissue. Write down. In muscular tissue we are discussing the third subtype. Hello, good morning ma'am. Good morning ma'am. मैंने बोलना था, आप आज की वीडियो मेरे को सेंड कर दोगे? ओके, यू कैन सी इट ऑन द यूट्यूब. मैम आई एम नॉट वेल. ओके आई विल. आज अटेंडेंस मैम को कह दो. ओके ओके मैम, किसी को अटेंडेंस कह दो. ओके थैंक यू मैम. चलिए, थर्ड वन इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. इन कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर एज वेल एज वेयर इट इज प्रेजेंट. लोकेशन तो इट्स क्लियर बिकॉज कार्डियक, तो दैट इज प्रेजेंट इन द हार्ट. ठीक है, नाउ राइट डाउन द स्ट्रक्चर. इन द स्ट्रक्चर, जस्ट गिव मी अ क्विक रिव्यू. What is the structure of the cardiac muscular? Oh, sorry, striated one. Striated, that is smooth. की उसकी structure क्या थी? Band like structure, dark and light bands are present. And other one in unstriated, blunt ends. है ना? Now the structure of the cardiac muscular tissue is also like the dark and the light bands are present, but they have a special name. डार्क बैंड्स को वी विल गिव द स्पेशल नेम, दैट इज द इंटरकैलेटेड डिस्क. सो राइट डाउन द स्ट्रक्चर पॉइंट्स. लिखो लाइट एंड डार्क बैंड्स. डार्क एंड लाइट बैंड्स यूनिन्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस. ठीक है, ब्रांच्ड. ठीक है जी, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल. फॉर्म्स एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. Right, branched and cylindrical, forms an interconnected network. Muscle filaments are connected with the muscle filaments are connected by a dark junctions. Called intercalated disc. ठीक है, what is the location present in heart? Involuntary muscles हैं ये भी, है ना? They will not do work according to our will. ठीक है, अब इसकी structure draw कर लेते हैं. करे done. क्या लिखा हमने first point? Dark bands, branch and cylindrical. That means these are branch. You can
इन सम ऑफ द बुक्स यू विल सी लाइक दिस, मैं दोनों तरह से डायग्राम्स बता रही हूँ, यहाँ पे यू विल सी इस तरह से भी होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं ब्रांच्ड है और सिलेंड्रिकल, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। बट हम जो दूसरा बना रही हूँ मैं वो भी बता के बता देती हूँ, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ये भी वही चीज शो कर रहा है, यू कैन ड्रॉ लाइक, वही चीज है, जैसे वो मैंने सिर्फ चेंज करी है शेप, आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू, इट्स अ ब्रांच एंड सिलेंड्रिकल, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, सो व्हाट वी विल मेक, डार्क बैंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया था, यूनी न्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स हर सेल में सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है जी। और पॉइंट क्या लिखवाया है, ब्रांच हो गया, सिलेंड्रिकल भी हो गया, यूनि न्यूक्लिएटेड भी हो गया, इंटरकनेक्टेड मींस दे आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, अगर हम इसको आगे बनाएंगे दे विल शो द इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट एक और पॉइंट, so what is the name of this thing, a special, that is the intercalated disc, nucleus, cytoplasm, आप हर एक में बना लेंगे, ठीक है बच्चा, ओके है। बट इज द फंक्शन ऑफ दिस वन, हार्ट के जो मसल्स हैं व्हाट दे विल डू, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लाइक द वर्क रैपिडली रिदमिकली दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, सो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दैट इज द रिदमिकली इट वर्क या वर्क रैपिडली, ओके है। करें आगे, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, वी डिस्कस एपिथेलियम एंड मस्कुलर, फोर टाइप्स करी थी हमने, वर्क्स रैपिडली रिदमिकली, बट वी हैड डिस्कस फोर टाइप्स, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस, टू हमने डिस्कस कर लिए, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड वन, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड वन, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैव द फाइव सब टाइप्स यू हैड डिस्कस्ड, है ना, जब हमने फ्लो चार्ट बनाया था देयर वी डिस्कस दीज आर हैविंग द फाइव सब टाइप्स, ठीक है, पहली कौन सी करी थी हमने, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, पहले अगर मैं इसकी बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिंग करना, दैट मींस कि किसी चीजों को दो को आपस में जोड़ना, है ना, कनेक्टिंग लेयर है, दिस इज द कनेक्टिंग लेयर और द सीमेंटिंग लेयर, किसके बीच में, बिटवीन स्किन एंड द मसल्स, दो चीजों को जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू व्हाट डज इट मीन, This is the cementing layer or connecting layer between skin and muscles. ठीक है, This is having the five subtypes. पहले discuss करने लगे areolar connective tissue. ठीक है, यहाँ पे एक main अब हम इसके structure and location में discuss करेंगे.
तो वो पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, बट आई विल टेल, ठीक है। राइट डाउन, लोकेशन कर लो पहले इसकी, यहाँ लोकेशन लिख लो वेयर दीज आर प्रेजेंट, वेयर दीज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट। क्या है पहला हमने बताया, हाँ बिलो द स्किन कह सकते हैं या बिटवीन स्किन एंड मसल। सो राइट डाउन बिलो स्किन भी लिख सकते हो आप, और यू कैन इवन राइट बिटवीन स्किन एंड मसल्स, ठीक है। अराउंड ब्लड वेसल्स, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स के आसपास भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, ओके राइट। अब इसके बाद है व्हाट इज इट स्ट्रक्चर, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, हाउ दे आर अरेंज्ड। इसमें से पहला पॉइंट जो आपने लिखना है, अपना यहां पे भी लिख ही लो, कनेक्टिव टिश्यू के ब्रैकेट में लिख लो कनेक्टिंग लेयर, कनेक्टिंग और सीमेंटिंग लेयर बिटवीन स्किन एंड मसल, ठीक है जी। ये एक पॉइंट लिख लो, कनेक्टिंग लेयर बिटवीन स्किन एंड मसल, ओके। नाउ स्ट्रक्चर पॉइंट, स्ट्रक्चर पॉइंट में सबसे पहले हमने लिखना है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली अरेंज्ड। इस लूजली अरेंज्ड को अंडरलाइन कर लेना है, बिकॉज व्हेन आई विल डिस्कस फर्दर आई विल टेल यू व्हाई वी आर एम्फसाइज ऑन द लूजली अरेंज्ड। लिखिए स्ट्रक्चर को, राइट डाउन स्ट्रक्चर, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, इसके अंदर जितनी भी है दे विल लूजली अरेंज्ड, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स की अरेंजमेंट है इसके अंदर, हैविंग फाइबर्स अरेंजमेंट है इसके अंदर, नंबर ऑफ सेल्स की हैविंग फाइबर्स, जो कि आगे दो टाइप्स के हैं। सो राइट डाउन एरियोलर टिश्यूज आर, इसी में लिख लो एरियोलर, सॉरी एरियोलर टिश्यूज जो हैं, दीज आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, वन इज थिक फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज थिन फाइबर्स, ठीक है। फिर हमने अगली बात कर ली थी, पहले लिख दिया है कि फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट है जो कि लूजली अरेंज्ड है, नंबर ऑफ सेल्स का बना हुआ है, इसमें अरेंजमेंट है नंबर ऑफ सेल्स की, ठीक है। उसके बीच में हम बात कर रहे हैं कि फाइबर्स हैं दो टाइप्स के, थिक एंड द थिन फाइबर्स। अब जो है फाइबर्स हैं जो थिक एंड थिन, वो आए कहां से, ठीक है। दीज आर अराइजेस, फाइबर अराइजेस फ्रॉम अ, लिखो मैं इरेज दिस वन, फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम अ सेल कॉल्ड, जहां यहां से आपको ऑब्जर्व होगा कि जहां से फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है, या ईच आप कह लो, ईच फाइबर अराइजेस फ्रॉम अ स्पेशल सेल कॉल्ड फिब्रोब्लास्ट और फिब्रोसाइट्स। मैं डायग्राम बनाऊंगी, देन इट विल बी क्लियर। फ्रॉम अ स्पेशल सेल कॉल्ड फिब्रोसाइट्स और फिब्रोब्लास्ट। पहली बात हमने करी कि इसकी अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स अरेंज्ड है, ठीक है। इसके फाइबर्स, फाइबर्स के बने हुए हैं, फाइबर्स टू टाइप्स के हैं, थिक एंड द थिन फाइबर्स, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, ठीक है जी। फाइबर अराइजेस, ईच फाइबर अराइजेस फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ अ सेल कॉल्ड द फिब्रोसाइट्स और द फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
write down the next point. Other type of the cells are also present. Are present phagocytic in nature. What is the meaning of phagocytic? Phagocytic का मतलब पता है किसी को? Phago. Anyone knows? Phago. Phagocytic in nature. These are called macrophages. आप इसको स्ट्रक्चर में सिंपली भी लिख सकते हो कि मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट. मैं अलग अलग करवा रही हूं कि एक ये वाले सेल्स हैं, एक ये वाले सेल्स हैं, ठीक है. दैट्स व्हाई आई हैड रिटन कि अदर टाइप ऑफ द सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, जो कि फैगोसाइटिक इन नेचर है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस. फैगोसाइटिक का मतलब होता है एनगल्फ, खा लेना, ठीक है. किसको? जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लमेटिक चीजें एंटर करेंगे, यानी कि एनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स. अगर ये आपके अंदर की एनगल्फ कर रहे हैं फॉरेन पार्टिकल्स, दैट मींस व्हाट दे आर गिविंग यू, व्हाट दे आर गिविंग प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ, व्हाट दे आर इंक्रीजिंग इन आवर बॉडी. इफ वी आर नॉट अटैक्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इन आवर बॉडी. आई एम आस्किंग इफ आई एम नॉट अटैक्ड बाय दिस वायरस, मेरे अंदर क्या ज्यादा है, ठीक है. सो मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या हो गया? इट इंक्रीजेस इम्यूनिटी. दीज आर इम्यूनिटी बूस्टर. कैसे इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं? बाय एनगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल्स. क्योंकि अगर इन्होंने अंदर से आपके माइक जैसे अटैक्ड हुआ कोई भी है, देन व्हेन दे विल ईट इट एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स, दैट मीन दे इंक्रीजेस द इम्यूनिटी, ठीक है. सो फैगोसाइटिक दैट दीज आर कॉल्ड द मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस के साथ ही ब्रैकेट में लिख लो इम्यूनिटी बूस्टर या प्रोवाइड इम्यूनिटी, लिख रही हूं मैं यहीं पे, प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय या एंड एनगल्फिंग फॉरेन पार्टिकल्स. दो तरह के स्पेशल सेल्स हमने कर लिए. One is fibrocytes and fibroblasts. Other is macrophages. Another type of the cell is also present. That is called mast cells. अब वो क्या करते हैं इन बॉडी में, कनेक्टिव टिश्यू में? What the mast cell they will do? They also creating immunity. Mast cells are also present. उसी के साथ ही लिख लो वो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग इम्यूनिटी. दे विल ऑल्सो इंक्रीज इम्यूनिटी, ठीक है. ठीक है जी. और ओके, अब हमने पहली लाइन लिखी थी अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है. अब ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स है वेयर दे आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड, ठीक है. दैट इज कॉल्ड अ टिश्यू, मतलब फ्लूइड ऑफ अ टिश्यू हो गया ना, हम टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसके बीच में मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है. बट इज दैट फ्लूइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स. आप सिंपली लिख लो ऑल कॉम्पोनेंट्स आर प्रेजेंट, लिख लो ये लाइन, ऑल कॉम्पोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड, ऑल कॉम्पोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स, कॉल्ड मैट्रिक्स, MATRIX. ऑल कॉम्पोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स के साथ ही जब ब्रैकेट में लिख लो फ्लूइड ऑफ अ टिश्यू, अगर एमसीक्यू में हो फ्लूइड ऑफ अ
टिश्यू, टिश्यू का एक फ्लूइड जिसके अंदर सारे कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है। बात समझ आ गई? क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं बताओगे, फिर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं। पहले अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, देन दीज आर ऑफ हैविंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स आर टू टाइप्स, each fiber arises from a special cell called fibrocytes or fibroblasts, right? Now we will make a tissue areolar connective tissue ka diagram bana lo, make a box, pehli line kya kari humne, thick and वो तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हो गया ना। पहला क्या था, दीज आर हैविंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स, थिक एंड थिन, कहीं पे भी प्रेजेंट हैं, लूजली अरेंज्ड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, ये थिक हो गए, किसी भी तरह से यू कैन मेक, ओके, ज्यादा होच पोच नहीं करना बिकॉज फाइबर्स आर लूजली पैक्ड, थिक एंड थिन फाइबर्स, हो गया पहला पॉइंट। ओके, ठीक है, अब सेकेंड अगला पॉइंट क्या था, फाइबर्स जो दो प्रेजेंट है, ईच फाइबर अराइजेस फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड फिब्रोसाइट। अब वो कहां बनाने, वो ये जो आपने थिक वाले फाइबर्स बनाए हैं ना, इसके ऊपर, ये देखो ऐसे बनेगा ये, और ऐसे लगेगा कि इसके नीचे से ऐसे फाइबर्स अराइज हो रहे, ठीक है, फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम अ, ईच फाइबर अराइज फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड फिब्रोसाइट्स और फिब्रोब्लास्ट। तो आपने इसके ऊपर बनाने हैं, जो दीज आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं हम भाई, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, अनदर टाइप ऑफ द सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट दैट इंक्रीजेस द इम्यूनिटी, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स, व्हाट आर दीज कॉल्ड, मैक्रोफेजेस। अब ये हमने इसके ऊपर बनाए, मैक्रोफेजेस यू विल मेक रैंडम इन बिटवीन, सेम शेप है बट दीज आर प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स, दीज अराइजेस, ये शो करने हैं इसके ऊपर क्योंकि फाइबर अराइज हो रहे हैं फिब्रोब्लास्ट से, ये मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। बात समझ आई बेटे, ठीक है, हाँ, इन केस ऑफ द लेबलिंग तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि दोनों की शेप सेम है, तो व्हाट वी विल से द फिब्रोसाइट्स एंड विच वन वी कॉल द मैक्रोफेजेस, ओके, जहां मर्जी, क्यों मैंने एक यहां बनाया है कि बीच में, इट अराइजेस, इट लुक लाइक इट अराइजेस फ्रॉम द, ओके, ठीक है। थर्ड हमने करा, मास सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट दैट प्रोवाइड या इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी, यही करा हमने, ठीक है। अब ये कहां पे प्रेजेंट होंगे मास सेल, मास सेल आपने बना देनी है सिंपल सर्कल इस तरह से रैंडम, ठीक है जी, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, इसको डबल कर लो एक को, ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और मास सेल और ब्लड वेसल्स की डिफ्रेंशिएशन कर लेना डबल करके, यहां पे ब्लड वेसल बना लो कुछ भी, ओके, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन अ ऑल कंपोनेंट्स, ये देखो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो गया, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड, फ्लूइड है जो, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, सो वी हैव टू मेक अ फ्लूइड,
ओके नाउ लेबलिंग आप लोग बता दो मुझे. व्हाट आर दीज? थिक फाइबर्स. व्हाट आर दीज? थिन फाइबर्स. व्हाट आर दीज? मैक्रोफेजेस. व्हाट आर दीज? मास्ट सेल्स. व्हाट आर दीज? फिब्रो साइट्स और फिब्रोब्लास्ट. व्हाट आर दीज? ब्लड वेसल्स. एंड दिस इज, इज इट क्लियर? डायग्राम ओके? फंक्शन लिख लो, बस इतना ही करना, बस इसके फंक्शन लिखेंगे बस. नहीं आई टोल्ड यू ना, अभी तो कनेक्टिव कर रहे हैं. कनेक्टिव की एक टाइप होगी, फोर टाइप्स लेफ्ट. देन नर्वस, नर्वस आपको आता है बस. टेंडन लिगामेंट, ब्लड लिम्फ, बोन कार्टिलेज. पांच तो सिंपल है ना. एरियोलर, एडिपोस, डेंस कनेक्टिव, फ्लूइड. ये हाँ वो उनके आगे आगे. ओके लेबलिंग इज डन. राइट डाउन द फंक्शन. क्या फंक्शन है अब आप बता दो. अभी हमने साइड बाय साइड फंक्शन डिस्कस किए, ठीक है? वो सारे फंक्शन लिख लेने आपने. इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है? सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द स्किन एंड द मसल, ठीक है? उसके अलावा एक पॉइंट और ऐड कर लो, दो. ये जो कॉमन फंक्शन हमने साथ साथ करे थे उसके अलावा एक दो और लिख लो. वो लिख लोगे ना, वो तो है ही है, वो तो आप लोगों ने पहले खुद ही बता दिए. एक आपने ये देखो, हमने पहले ही लिखा था कि प्रोवाइड सीमेंटिंग लेयर बिटवीन स्किन एंड मसल. एक उसका ये फंक्शन हो गया, दूसरा हो गया एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स, तीसरा हो गया प्रोवाइड इम्यूनिटी या इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है? एक और लिख लो, इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज. हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू. लिख लोगे ना बेटे बाकी सारे फंक्शन? सीमेंटिंग लेयर बिटवीन स्किन एंड मसल, सिकिंग एनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स, प्रोवाइड इम्यूनिटी या इंक्रीज इम्यूनिटी, देन फोर्थ हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज, ठीक है? एक और लिख लो, फिल्स द स्पेस ऑफ द ऑर्गन्स. It fills the spaces of the organs. उसके अंदर के fill spaces को fill करता है, space inside the organs and support the internal organs. And support. ओके दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू.